So now we will be talking of the subject that I will be teaching. ठीक है? That is basic of textile fibers and processes. ठीक है? Basic बताना है textile में, fibers के बारे में basic सब कुछ बताना है और जो जो प्रोसेस फाइबर को यार्न धागा बनाने में और फैब्रिक बनाने में इस्तेमाल होते हैं उसमें बताना है। हमने भी है डिस्कस कि भाई तीन पार्ट होते हैं एनुअल पैटर्न सिस्टम में। फर्स्ट में 20% मार्क्स है, 20 मार्क्स है, और सेकंड में 20 है, और थर्ड में 60 मार्क्स है। तो ये फाइबर्स को हमने डिवाइड किया पहले दो में। प्रोसेस का फाइनल एग्जाम में 60 मार्क्स का आएगा, यानी फाइबर्स 40 मार्क्स के हैं और प्रोसेसेस 60 मार्क्स के हैं। अब फाइबर्स भी दो तरह के होते हैं बेसिकली, जो हमें नेचर से मिलते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम कल्टीवेशन या नेचर। नेचर मींस इट मे बी फ्रॉम प्लांट, पेड़ पे उगते हैं जैसे कॉटन है, ठीक है, वो हम उगाते हैं कपास और उसको निकालते हैं, जैसे जूट रस्सियों के लिए यूज में आता है, ठीक। तो जो प्लांट के ऊपर होते हैं। दूसरा किसी भी एनिमल से मिलते हैं, जैसे वूल ऊन मिलती है, ठीक है, शीप के ऊपर से निकाल लो, गोट के ऊपर से निकाल लो, पश्मीना शॉल बन जाते हैं, स्वेटर बन जाती है, या जैसे सिल्क, सिल्क निकाल लेते हैं हम सिल्क वॉर्म से। तो ऐसे एनिमल से, कैमल से, रैबिट से, किसी से भी निकाल लेंगे। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचर। तो पहले हम पढ़ेंगे, पहले टेस्ट होगा वो नेचुरल फाइबर्स का होगा, फाइबर्स दैट आर दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। ये किस किस से मिलते हैं? फर्स्ट इज प्लांट, सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉटन ही है, उसके बाद में एनिमल, और फिर कुछ मिल जाते हैं हमें मिनरल से, जैसे कार्बन वगैरह। फिर सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे जो कि फाइबर्स मैन मेड है, दोज विच आर डेवलप्ड बाय मैन। अब ये कैसे डेवलप हो सकते हैं? प्लांट एनिमल का कुछ भी पार्ट लेकर हम उसे दोबारा से बना दें एज फाइबर रेशा, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर, ठीक है, या फिर टोटली ही केमिकल लें और केमिकल को लेकर हम उन केमिकल्स के रिएक्शन से कुछ ना कुछ करके और पॉलीमर बनाकर और फिर से फाइबर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेटिक। अब देखिए ये सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे मैनमेड फाइबर्स। रीजनरेटेड है जैसे विस्कोस, सबसे ज्यादा नाम चलता है विस्कोस का, और सिंथेटिक है नायलॉन सुना होगा, पॉलिएस्टर सुना होगा, पॉलिएस्टर कॉटन के साथ में इस्तेमाल होता है, टेरी कोट बोल देते हैं इसे, या पॉलिएस्टर कॉटन बोल देते हैं, प्लांट फाइबर इसके साथ में यूज होता है, कॉटन के साथ में सबसे ज्यादा कॉटन यूज में आता है, ठीक, नायलॉन सबसे ज्यादा, पॉलिएस्टर फिर नायलॉन आ रहा है, एक और आता है एनिमल में वूल होता है, जैसे वूल को रिप्लेस करने के लिए एक्रेलिक, जितने भी मैक्सिमम स्वेटर्स वगैरह बनी होती हैं वो वूल की नहीं बनी होती, वो बनी होती है पहले बनती थी एक्रेलिक की, वूल जैसा स्ट्रक्चर एक्रेलिक में आता था, ठीक। अब उसमें अलग बात है पॉलिएस्टर वगैरह नायलॉन वगैरह डालने लगे हैं, ये 20 मार्क्स का पहले हम पढ़ेंगे, फिर मैनमेड फाइबर पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे प्रोसेसेस, ये थर्ड स्टेप में टेक्सटाइल के प्रोसेसेस सारे पढ़ेंगे, ये फिर पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा, इट मे बी 15 सब्जेक्ट 18 सब्जेक्ट। तो क्या क्या देखेंगे? फाइबर से
यार्न यानी थ्रेड धागा बनना, फिर इससे क्लोथ लिख देते हैं हम, वैसे फैब्रिक, फैब्रिक तीन तरह के हैं, ये 60 मार्क्स का आएगा। तो ये दीज आर द थ्री डायवर्शंस एक साल के अंदर हम पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, फाइबर्स में पहले नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेमी रेमी, एनिमल्स हो गया, वूल सिल्क, मिनरल हो गया, कार्बन हो गया। देन फॉर नेक्स्ट 20 मार्क्स वी विल स्टडी मैनमेड फाइबर, ये कैसे बनते हैं ये भी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनरेटेड में विस्कोस रेयॉन, ये रिप्लेस करता है कॉटन को, जैसी कॉटन की प्रॉपर्टी है वैसे ही विस्कोस की होती है, ठीक है, जैसी वूल की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही एक्रिलिक की होती है। तो फिर इसमें भी पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलिएस्टर नायलॉन एक्रिलिक, ये मेन है, और भी होते हैं आजकल स्ट्रेचेबल भी आ गए हैं, तो इसके अंदर लिखे नहीं, हम पढ़ लेंगे स्पेंडेक्स और लाइक्रा वो डाल देते हैं तो हर चीज स्ट्रेच होने लग जाती है। इसके बाद में ये दो एग्जाम हो जाएंगे, फिर फाइनल एग्जाम के लिए यानी एक साल में 6 महीने बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस अलग अलग, छोटे 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 प्रोसेसेस थोड़े थोड़े। तो पहले अभी इसको हम पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, इस दोनों एग्जाम होने के बाद में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक क्या, व्हाट इज फाइबर, व्हाट इज फिलामेंट, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है ये पढ़ेंगे, फिर नेचुरल फाइबर आ गए। नेचुरल फाइबर्स में देखो बाकी चीजें सेम है, इम्प्योरिटी फिजिकल, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, कॉयर, हेम्प और रेमी, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। इसके अंदर इनकी हमें पता होनी चाहिए इनकी शेप कैसी है फाइबर की, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी यानी पानी कितना सोखता है, क्योंकि हमें पहनना है तो पानी सोखना है, इसमें जान कितनी है, स्ट्रेंथ, ये मोटा है पतला है, ठीक है, मोटा अगर है तो मोटा ही धागा बनाएगा, पतला है तो पतला धागा बना सकता है। तो जो जूट है रस्सी है वो जूट की होती है, मोटे धागे बनते हैं उससे, उससे हम कपड़े बनाना मुश्किल हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी है इसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, सन की लाइट पड़ेगी तो फेड होगा नहीं होगा, उसके अंदर जो है कोई भी कीटाणु लगेगा नहीं लगेगा, वो डिग्रेड होगा या नहीं होगा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो सब में अपीयरेंस, इम्प्योरिटी, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी इन 5 फाइबर्स की नेचुरल की पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे अगले 20 मार्क्स के लिए रीजनरेटेड और सिंथेटिक, ये है ये मैनमेड फाइबर रीजनरेटेड और सिंथेटिक आ गया, ठीक है। विस्कोस रेयॉन और एसीटेट रेयॉन, रेयॉन के ही दोनों पार्ट है, एक लिख दिया विस्कोस रेयॉन और एक एसीटेट रेयॉन। इसके अंदर हम ये देखेंगे इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, फिर ये जुड़ता कैसे है, फिर ये पॉलीमर कैसे बनता है, वेल मेनी पॉलीमर्स रिएक्ट टूगेदर देन दे मेक अ फाइबर। ऐसे फिर सिंथेटिक फाइबर में पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, तीन ये मेजर पढ़ेंगे, ये 20 मार्क्स का यहाँ खत्म हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टार्ट्स, ये अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे 5 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये टॉपिक्स हैं अलग अलग, तो दे हैव बीन डिवाइडेड 11, 12 ये हम बाद में पढ़ेंगे, इनमें से कोई भी जो प्रैक्टिकल करने हैं, इनमें से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स करने हैं, जो भी अवेलेबल होगा हो सकता होगा करवाएंगे, अभी वो नहीं तो यहां आने के बाद सेमेस्टर के करवा देंगे। ये इसका डिवीजन आ गया, 40 मार्क्स का एग्जाम आएगा जिसमें से 20 काउंट होंगे फर्स्ट और सेकेंड यूनिट, फर्स्ट इंटरनल, फिर 20% थर्ड और फोर्थ यूनिट के लिए, फिर 60% जो भी इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम ये प्रोसेसेस को, 5 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक का है ये बाद में करेंगे। तो ये दिस वॉज अबाउट द बेसिक ऑफ टेक्सटाइल प्रोसेसेस एंड फाइबर सब्जेक्ट, वी विल बी डिस्कसिंग ईच टॉपिक लेटर ऑन।